Before calling our first participant, I would like to recite a beautiful poetry. So audience, please listen. तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने ही हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं ना। रहना है तो बच्चा बनकर रह, समझदार बनाने के लिए लोग हैं ना। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं ना। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। I would like to call our first participant, who is Mr. Rehan. Please come here and be ready for your speech. Audience, please put your hands together for him. उर्दू में और हिंदी में फर्क है बस इतना, उर्दू में और हिंदी में फर्क है बस इतना, हम देखते हैं ख्वाब और वो देखते हैं सपना। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, चीफ गेस्ट एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई एम रेहान हेयर। First of all, I wish my all teachers a very happy Teachers Day. Today is 5th September and we are celebrating Teachers Day today. Actually, this day is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great teacher and the first Vice President of India. Now, I would like to conclude my speech with this shayari. Parindon ko manzil milegi yakinan, Parindon ko manzil milegi yakinan, ye phaile huye unke par bolte hain. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर रेहान फॉर योर नाइस एंड ब्यूटीफुल स्पीच। अकॉर्डिंग टू हिम द टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। दे टीच अस, एजुकेट अस एंड मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। रियली Their presence is like a candle which removes the darkness of illiteracy. Yeah. So whatever he told is absolutely right.